हिंदुस्तान जिंक पुठोली प्लांट में हुए हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 3 हो गई। अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने 35 वर्षीय लेट निवासी नाहर सिंह पुत्र दलपत सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक गंगरार सीताराम बेरवा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि परिवार के लोग अहमदाबाद ही है, ऐसे में पोस्टमार्टम करवाकर परिजन चित्तौड़गढ़ रवाना हो रहे हैं और शाम तक उनके चित्तौड़गढ़ पहुंचने की संभावना है। सूत्रों से पता चला है कि नाहर सिंह का शव चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद कानून व्यवस्था के लिहाज से एहतियात के तौर पर हिंदुस्तान जिंक प्लांट के बाहर व्यापक पैमाने पर पुलिस जाब्ता लगाया गया है। इस बीच दो और लोगों के वेंटिलेटर पर होने की सूचना है, उनकी हालत भी अत्यंत नाजुक बताई गई है, जिनमें हिंदुस्तान जिंक के अधिकारी प्रवीण झा भी शामिल है। आपको बता दें कि 12 अगस्त की शाम जिंक प्लांट में एसिड टैंक फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उदयपुर से अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। मौके से 2 लोगों के कंकाल लाए गए थे, जिनकी दूसरे दिन मैनेजर सुमित कारना और आगरा के चालक राजकुमार के रूप में शिनाख्त हो पाई। फिलहाल पुलिस की पूरी नजर नाहर सिंह के शव लाए जाने के बाद की संभावित स्थितियों पर टिकी हुई है।